मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि इंसाफ जिंदा है। राउत ने कहा कि इस फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष को गांधी की अयोग्यता को रद्द कर देना चाहिए। मामले में सूरत की निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने एवं 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था। शिवसेना के नेता ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 2 साल से बीजेपी नीच सरकार के खिलाफ जिस प्रकार के हमले कर रहे थे उसके कारण लोकसभा सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराया जाना सांसद से निकाल बाहर फेंकने के मकसद से पहले से तय किया गया कदम था। राउत ने कहा अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल उन्होंने तैयार किया था उसके लिए उन्हें दंडित किया गया, न कि मोदी अपमान के सिलसिले में उनकी टिप्पणी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ जिंदा है, उन्होंने गुजरात की अदालतों के फैसलों पर सवाल खड़ा किया।